small token of gift from myself to my sister and Jiju. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और आज है 11 तारीख और ये मेरा बड़ा भाई मजनू नहीं, ये मेरे बड़े भाई राज भैया। आज वो दिन आ गया जो हमारे घर में से राशन का एक नाम कट जाएगा। आई डोंट थिंक कि वहाँ पे जाके मेरे को वीडियो बनाने का मतलब मौका वौका मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे काम वगैरह रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पे चाय वगैरह पी के हम हो चुके हैं टन टनाटन, और थोड़ी देर में हम निकलेंगे शादी के समारोह को अटेंड करने। और यहाँ पे मेरे बहुत बहुत सारे चाहने वाले हैं, और यहाँ पे बहुत टाइट एक्टिंग चल रही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लिप में। और यहाँ पे हमारी बड़ी माता श्री कार्यक्रम को संपन्न कर रही हैं। दादी क्या कहा लाई? यहाँ पे छोटे छोटे सुंदर आकारों में कुछ दाल के दाने भरे जा रहे हैं। और मित्रों यहाँ पे हम तीनों भाई जा रहे हैं, यहाँ सारे मुद्रा सैनी, और हम तीनों भाई जा रहे हैं कुछ सामान लेने, क्योंकि आपको पता ही होगा शादी ब्याह का माहौल है, तो एक दो सामान कमी होते रहते हैं, कभी ज़्यादा नहीं होता है। जबकि हम लोग सारी चीज़ें एक्सेस में लेते हैं, बट फिर भी कोई नहीं, आप सामान लेके और हम निकलेंगे मऊ की तरफ, मतलब जो भी मैरिज हॉल बैंकेट हॉल जो भी होता है, उसके बाद वहाँ पे जाके आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे मित्रों। और मित्रों अब हम तैयार हो चुके हैं मऊ जाने के लिए। अब यहाँ से हम निकलेंगे मऊ, क्योंकि मऊ बहुत सारा काम है, और जब तक मैं नहीं जाऊँगा तब तक मुझे नहीं लगता ये सारे काम होने वाले हैं। और वहाँ पे जाके सारे काम निपटा के उसके बाद, क्योंकि शाम को ही समारोह है जो भी शादी वगैरह का। और माई बाइसेप्स आर लुकिंग मच कूलर देन एवर, और बहुत ढीला डाला पहना हूँ। तो, देख, और यहाँ पे मित्रों मेरे को कॉम्प्लीमेंट भी मिल चुका है कि मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे मऊ चल के। और हम व्हाइट पैलेस आ चुके हैं, और ये अंदर का है। यहीं पे मेरी बुआ की लड़की की भी शादी हुई थी, मेरी सोनी दी की। और यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होता है वो यही जगह है। यहाँ पे मंडप लगता है, सजता है, और ये सारे रूम्स हैं जो अलॉट कराए जाते हैं। और हम यहाँ पहुँच गए व्हाइट पैलेस, खाना वाना खा के हम सब लोग रेडी हैं। वहाँ पे दुर्गा चा अपने वाइफ से बात कर रहे हैं, तो देखते हैं बाकी जैसे जैसे आगे चलता जाता है व्यवस्था, वैसे वैसे आपको अपडेट देते जाएंगे। और मेरे को नहीं लगता कि कुछ देने लायक होगा जब तक सारी चीज़ें होंगी नहीं शाम तक, क्योंकि खाना वाना बन रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। और मैं पीछे का ये दृश्य आपको दिखा देता हूँ, यही वो प्रांगण है जहाँ पे खाना वाना लगेगा और सारी चीज़ें हैं। अंदर का माहौल तो आपको दिखाई दिया हूँ, बाकी सजावट के बाद आपको दिखाऊंगा। मस्त लगेगा, मस्त। यहाँ पे सोनी दी की भी शादी हुई थी, तो यहाँ का जो व्यवस्था है वो ना वो काफ़ी अच्छा है। गांव के लोग, घर के लोग धीरे धीरे एकत्रित होने स्टार्ट हो गए हैं। बाकी मिलते हैं यहाँ पे। हम दुर्गा चा का शूज़ पॉलिश करवाने जा रहे हैं, तो बैठते हैं अपने रथ पे। चलो सारथी, सोच रहे हैं कि यहाँ से सबसे पास रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पे अच्छे शूज़ पॉलिश हो जाएंगे। क्योंकि पैसे की दिक्कत है तो हम लोग स्टेशन पे जा रहे हैं, तो 2-4 रुपये चंदा मिल जाएगा, उसी 2-4 रुपये चंदा मिल जाएगा, पर्ची काट लेंगे। नहीं नहीं, चंदा का मतलब वही कि हम लोग के पास पैसा है नहीं फिलहाल में, पैसा हम लोगों को मिलेगा उसी पैसे से हम लोग जूता पॉलिश कराएंगे, हम लोग का पैसा भी बच जाएगा, पेट्रोल का दाम भी निकल जाएगा। मित्रों अगर आपके हृदय में थोड़ी सी भी इंसानियत है तो दिए गए नंबर पे गूगल पे करें, 011-2553-2553। मजदूर लगा है घर का। नीचे की भी तैयारी कुछ जोरों शोरों से चल रही है, और ये यहाँ पे दो मजदूर आते हुए, और इस साइड खाना वगैरह है। सेकेंड स्टोरी पे मंडप लगेगा, नीचे जो भी होगा स्टेज वगैरह है।
यहाँ पे काका श्री और बड़े पिताश्री बैठे हैं। ये रहा कुछ ऊपर का व्यू, ये पूरा स्पेस है जहाँ पे साफ सफाई हो रही है, तैयारियाँ हो रही हैं, मस्त सा यहाँ पे सब लगेगा। और ये रहा अंदर का मंडप का सिस्टम। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैं दिखा चुका हूँ पहले ही, और धूप धूल के कारण मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो चुका है। तो अब मैं भी नहा के, और सब कोई तैयार हो रहा है तो मैं भी नहा के अब तैयार होऊंगा कपड़ा वपड़ा पहन के। अब इसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा, अब इसके बाद जो सारी चीज़ें होंगी वो होंगी सीधे रात को, और बहुत छोटी छोटी क्लिप्स डालूंगा मैं, क्योंकि होगा कुछ है नहीं मतलब टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि जब बाराती लोग आ जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही है कि शादी में क्या है, तो मेरे को उतना टाइम मिलेगा नहीं। तो इसके बाद बहुत छोटी छोटी क्लिप्स मैं डाल दूँगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लिप में। आप लोग पीछे देख सकते हो कि सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है, लाइटनिंग वगैरह सारी चीज़ें चालू हो चुकी हैं, बहुत बेहतरीन लग रहा है। और पीछे मऊ वाले भैया हैं, तो सारे लोग अब तो धीरे धीरे आना स्टार्ट होंगे, और कुछ टाइम में बारात भी आने वाली है एक घंटे के आसपास में, और गांव के लोग भी सब लोग आएंगे यहाँ पे। और ये देखो कंटेंट रेडी हो रहा, नहीं बढ़िया मुछियाँ इतना। चाचा जी, भैया जी, भैया जी, और ये मेरे चाचा हैं। और ये और बाकी ले दूसरे को, उसको भी तो बाकी ये पीछे मऊ वाले भैया, छोटू भैया, छोटू भैया नॉट छोटू भैया, ये मऊ वाले भैया हैं, इनको सादर प्रणाम। मेरे हृदय में इनके लिए बहुत वो है। और बाकी सब लोग तैयार हो चुके हैं अपना सूट सलवार पहन के, अब हम भी जा रहे हैं तैयार होके, उसके बाद अपना वीडियो वगैरह चालू करेंगे। पे मेहमानों का आगमन शुरू हो चुका है, अभी बहुत कम भीड़ है लेकिन धीरे 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 लोग आ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम तैयार हो चुके हैं, और यहाँ पे पूरा ग्रुप है, ग्रुप आ चुका है यहाँ पे, हैप्पी है, वैभव है, और यहाँ पे पीछे बारात आ चुकी है, हम लोग फाइनल बारात आ चुकी है, हम लोग फाइनल नीचे जा रहे हैं करने के लिए, हम लोग नीचे जा रहे हैं, आपको अपडेट करते हैं। और ये मेरी बेटी आ चुकी है, बेटी बोल पापा, मिट्टी दो मिट्टी दो मिट्टी दो। बारात की धूमधाम से तैयारी चल रही है, और इसे कहते हैं अक्षत, जो हम बारात के ऊपर डालेंगे, देखते हैं, बस बारात पहुँचने ही वाली है। और यहाँ पे कार्यक्रम की सारी तैयारियाँ चल रही हैं, जो भी धार्मिक कार्यक्रम है, और बारात का आगमन बस होने ही वाला है, सब लोग बारात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये भैया बड़ी मियाँ, यहाँ पे मेरे फूफा जी, चाचा जी, बड़े पापा, बाबा, सब लोग हैं, बारात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं बारात का, और वो सामने रहीम की मंजिल।
है, यहाँ पे डैडी हैं, ये जी कार्यक्रम हो रहा है और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको आगे धीरे धीरे अपडेट देते रहूँगा। और दिस इज़ अ स्मॉल टोकन ऑफ गिफ्ट फ्रॉम माई सेल्फ टू माई सिस्टर एंड जीजू। और शादी का सब कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई लफड़ेबाजी नहीं हुई अभी तक और होप सो कि आगे भी ना हो, सब चीज़ स्मूथ चले। और बाकी क्या ही कहें, अब जो गांव के लोग आए थे वो सारे लोग चले गए, अब बाकी बहुत कुछ ही लोग बचे हैं, आई थिंक बस बाराती लोग बचे हैं और एक दो लोग मतलब जो पास पास के रिलेटिव हैं जो अपने व्हीकल से आए हैं वो हैं। और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी बैटरी भी ख़त्म हो गई है तो इसके आगे बहुत छोटी छोटी क्लिप में डालूंगा, बहुत छोटी छोटी, और बाकी तो वीडियो में देख लेना आप लोग। और यहाँ पे मामा के मामा विद फैमिली, पूरा परिवार आशीर्वाद देते हुए जीजा दीदी को, बेटी को। लेट मी कवर द फुल एरिया। अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं हो गया हूँ सुस्त और वीडियो वगैरह बनाने का थोड़ा मतलब इच्छा नहीं कर रही है, छोटे छोटे क्लिप्स डाल दूंगा। और बाकी अभी तो जो विवाह का मेन कार्यक्रम वो स्टार्ट हुआ है तो ये सारी चीज़ें होने पूरे होने में कम से कम मेरे को लग रहा है 3 से 4 बज जाएंगे, उसके बाद ही विदाई वगैरह जो भी होता है आई डोंट नो वो क्या कहते हैं। और पीछे जो जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं और पीछे वर वधू दोनों पक्ष बैठा है तो ये सारी चीज़ें कम्प्लीट करके हम निकलेंगे अपने अपने घर की तरफ, अपनी बहन को विदा करके भाई जिगर की टुकड़ी को। और मित्रों हम मतलब रात्रि का समय है, रात्रि क्या 1:30-2 बज रहे हैं और वहाँ पे शादी का कार्यक्रम चल रहा है, बट फॉर सम रीज़न मैं और भैया निकल आए हैं कुछ काम से विद आवर ओन रथ। एंड तो क्या लगा, तो कितने गाड़ी चलाओ थे, चला ले तो भैया गाड़ी जैसे आप लोग यहाँ पे जान सकते हो कि 3 दिन में गाड़ी को बहुत स्मूथ चला रहे हैं। सो एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माय एल्डर ब्रदर मिस्टर मऊ वाले भैया अभय सिंह। मैं प्रमोट करने लायक हूँ तो नहीं, बट अगर मेरे को जितने लोग भी यहाँ पे सब्सक्राइब करें उनको पता ही होगा कि मैंने बोला ही होगा कि भैया को वो कर दो वो कर दो। सो हियर इज द मैन एंड हियर आई एम। और बाकी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाता हूँ, शादी का कार्यक्रम चल रहा है, आई थिंक अप्रोक्स एक आध घंटे में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। वी आर बैक टू द प्रोग्राम और पीछे पीछे दीदी जी का फोटो क्लिक हो रहा है और अभी मैं भी करवाऊंगा अपना से है। और यहाँ पे परिक्रमाएं चालू हो गई हैं। कौन भैया याद आई कि और हज कुत्ता घूम रहा है यहाँ पे, हज कुत्ता घूम रहा है वोडाफोन वाला
मुंह पे पुट्टी मार दी है सब। और वहाँ पे पैसे के लिए मारा मारी हो रही है बहुत भयंकर, और दो चार लेबर हैं पानी ढो रहे हैं। और आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि सारी विवाह की रस्में संपन्न हो चुकी हैं। तो मित्रों वीडियो को एंजॉय करें, अगर देखा भैया अगर वीडियो ना भी पसंद आए फिर भी लाइक करें सब्सक्राइब करें। हाथ वाले कुत्ते को छोड़ जा रहे हैं और उसका रसगुल्ला सुखाए। फोन का कंपैरिजन हो रहा है, देख लो देख लो। ये आईफोन है क्या? 11 8 और यहाँ पे हाँ मेरा फोन भाई जी के फोन को पीछे छोड़ते हुए बहुत भारी अंतर से लिखे हेलो। और भाइयों आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि जो शादी की सारी रस्में थी जो भी कार्यक्रम था सब ख़त्म हो चुका है, सब अपने घर जा चुके हैं और दीदी की विदाई भी हो चुकी थी मेरे को लग रहा है 4:30 बजे के आसपास। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था, वो पूरे परिवार के लिए था, बट क्या करें एक ना एक दिन सबको अपने ससुराल जाना है, किसी को जाना है किसी को आना है, तो कोई नहीं। और अब हम भी अपने घर के साइड निकलते हैं क्योंकि सुबह के बज चुके हैं 7 और बाकी का यहाँ पे कुछ काम था तो वो सारी चीज़ें करवाने में थोड़ा लेट हो गया मेरे को। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।